खुद को बदलना ही क्यों चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ? खुद को बदलने की जरूरत क्यों है? क्या है क्यों तुम अपने आप को जैसे तुम हो वैसे देखने से डरते हो? इसलिए तुम चाहते हो कि मैं खुद को जल्दी से बदल लूं। ये जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं, हम बदलना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे डर शामिल हैं। पहले खुद को एक बार देख लो जैसे तुम एक्चुअल में हो। एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहा मैं कि जैसे तुम हो एक्सेप्ट कर लो, नहीं, जैसे तुम हो उसको एक बार देख लो। और तुम जिस चीज को बदलना चाहते हो, तुम अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हो या फिर कोई भी चीज है जो तुम्हें परेशान करती है, इसलिए नहीं बदलनी वो चीज क्योंकि वो चीज तुम्हें दर्द दे रही है, या इसलिए नहीं बदलनी क्योंकि तुम कंपैरिजन कर रहे हो कि सामने वाला ऐसा कर लेता मैं क्यों नहीं कर पाता। किसी चीज को बदलना, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, मैं अपने अंदर चेंज लाने की बात कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जब नेक्स्ट टाइम वो गलती तुम दोबारा कर रहे हो तो एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ वो गलती करो। डोंट ट्राई टू चेंज योर एंगर, अपने गुस्से को बदलने की कोशिश मत करो कि मैं गुस्से को बदल दूं, रैशनलाइज करूं, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आ जाऊं, ठीक है, शांत हो जाऊं, आंखें बंद कर लूं, सांसों पर ध्यान लगाने लगूं। नो, अगली बार जब तुम गुस्सा करोगे ना तो बड़े ध्यान से करना, बड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ करना, बिल्कुल कंप्लीटली अवेयर होके करना। और जब तुम अगली बार बिल्कुल ध्यान से एक बार बिल्कुल कंप्लीट अवेयरनेस के साथ गुस्सा कर दोगे, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, तो तुम्हें ऐसा लगेगा गुस्सा कि गुस्सा कितनी बद्दी चीज है यार, मैं क्या कर रहा था ये। तुम इस दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में, सजावटों से भरी हुई दुनिया में, तुम यहां सफर करने नहीं आए हो, तुम यहां खेलने आए हो। तुम एक प्लेयर हो, ये लीला चल रही है, इस लीला में तुम ज्वाइंट हो। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपको ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मुझे जो है वो मैंने चीजें अचीव कर ली, और ना ही तुम्हें बिल्कुल डाउन हो जाना है कि सब कुछ खत्म है यार, दुनिया तो बेकार है, ऑल ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। सो जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये मोटिवेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये मोटिवेशन नहीं है कि आपको खुद को चेंज करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। सी योर सेल्फ एज द रियल, जैसे तुम एक्चुअल में हो, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कैसे भी हो, चाहे तुम्हारे अंदर कैसी भी आदतें हो, चाहे तुम्हारे अंदर कैसे भी थॉट्स आते हो, चाहे तुम पास्ट में किसी भी हद तक गुजर चुके हो, सी योर सेल्फ, अपने आप को देखो, बदलने की भावना से नहीं, बस एक बार देखो, स्वीकार करने की भावना से नहीं, बस एक बार देखो। हम सब ने जो ये गलत सही चीजें बना रखी हैं, जो कि कुछ नहीं होता, गलत सही हमने बस गढ़ दिया है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, इसकी वजह से हम अपने रियल सेल्फ को, रियल नेचर को सप्रेस करते हैं। और जब ये रियल नेचर हमारा सप्रेस होता है ना, और इसको सप्रेशन में कैसे लेकर आते हैं, हम बदल लेते हैं, चलो चेंज कर लेते हैं। चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती, चेंज एक एक तुम्हारे अंदर तुम्हें रटवा दिया गया है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, तुम ऐसे हो वैसे हो जाओ। तुम इस दुनिया में गोरे नहीं हो, ये क्रीम लगाओ तुम गोरे हो जाओगे। कुछ चीजें हमारे अंदर गढ़ दी गई हैं और वो चीजें हम उनसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं उनसे।
डोंट चेंज योर सेल्फ एट ऑल। चेंज एक सबसे बड़ा मिथ है, बदलाव चेंज और अनचेंज्ड ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों है ही क्रिया। अगर तुम बदल रहे हो वो भी एक क्रिया है, और अगर तुम नहीं बदल रहे हो तो वो नहीं बदलने की क्रिया है। लेकिन अगर तुम ये जो दोनों बदलाव तुम्हें दिख रहे हैं, एक अनचेंज और एक चेंज, इसमें तुम स्थिर हो जाते हो। जब तुम इसमें पूरी तरह से एक एक अटेंशन की फॉर्म में आ जाते हो, एक अवेयरनेस की फॉर्म में आ जाते हो, तो जो बेकार चीजें हैं ऑटोमेटिकली वो खत्म होती चली जाती है। बेकार इन द सेंस कि एक्चुअल में जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है वो बाहर आता है। और ट्रू सेल्फ बाहर आने का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा ट्रू सेल्फ बाहर आएगा, जो तुम एक्चुअल में रियल में हो, तो तुम्हारा भय खत्म होता जाएगा, डर खत्म होता चला जाएगा। और जब तुम्हारा ट्रू नेचर बाहर आएगा तो तुम कुछ भी करोगे, वो काम तुम करते रहोगे, चाहे उससे कुछ प्रॉफिट मिले या लॉस मिले या कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दे या कोई तारीफ कर दे, तुम वो काम फिर भी करते जा रहे हो। लेकिन हम अपने आप को तुरंत कट 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 कट, ऐसे नहीं है ऐसे करवा लेते हैं, ऐसे नहीं है वैसे कर लेते हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं अच्छा अच्छा ये शर्ट ठीक नहीं लग रही, मतलब सही और गलत का जो पूरा का पूरा जो गढ़ा हुआ है उसको बहुत सीरियसली हम दिमाग पर ले लेते हैं। और जब हमें ये पता लगता है कि ये जो चेंज हो रही है चीजें जिसको हम बदलना चाहते हैं, चाहे वो हमारी आदतें हों या चाहे कुछ भी हो, वो असल में हमें वो नहीं बना रही जो हम एक्चुअल में हैं, हमें वो बना रही हैं जो लोग चाहते हैं, या फिर हम कंपेयर करके एक दूसरे को देखकर वो चीज करना चाहते हैं। अपने असली नेचर को फाइंड करो, तुम एक्चुअल में क्या हो, तुम्हारा असली रियल नेचर क्या है, जिसमें तुम इस रोल को प्ले कर सकते हो, उस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हो। और मैंने बताया वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, जब तुम किसी चीज को करोगे तो मतलब तुम्हें भय नहीं आएगा, तुम्हें डर नहीं आएगा, तुम बस करते जा रहे हो उस चीज को, नो मैटर दुनिया क्या कह रही है, नो मैटर कुछ भी हो रहा है। लास्ट में थोड़ी बहुत और अगर इंसाइट लेना चाहते हो तो एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का कोर्स, और साथ ही साथ एक मेडिटेशन का कोर्स भी मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट मेडिटेशन, अल्टीमेट मेडिटेशन क्या है, आप इन दोनों कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कमेंट में मैंने नंबर दे रखा है अपना, व्हाट्सअप नंबर, प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो इन कोर्सेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।